यातायात पुलिस गोरखपुर द्वारा छठ पर्व के अवसर पर महानगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए शुक्रवार को दिन में 3 बजे से शाम 6 बजे तक और शनिवार को प्रातः 3 बजे से सुबह 10 बजे तक वाहनों का डायवर्जन किया गया है। आपको बता दें, हाबड़ बंधा तिराहा से हनुमानगढ़ी, तकिया घाट एवं पुरानी मछली मंडी की तरफ किसी प्रकार के चार पहिया, दो पहिया, रिक्शा और साइकिल से आवागमन की अनुमति उक्त अवधि में नहीं दी जाएगी। लाडिग्गी से पुरानी मछली मंडी होते हुए बंधे की तरफ किसी प्रकार के वाहन उक्त अवधि में नहीं आ जा सकेंगे। वहीं मिर्ज़ापुर चौराहे से बंधे की तरफ किसी प्रकार के चार पहिया, दो पहिया वाहन, रिक्शा एवं साइकिल से आवागमन की अनुमति उक्त अवधि में नहीं दी जाएगी। सूरजकुंड रेलवे क्रॉसिंग से मानसरोवर सूरजकुंड की ओर किसी प्रकार के चार पहिया, दो पहिया वाहन, रिक्शा एवं साइकिल से आवागमन उक्त अवधि में नहीं दिया जाएगा। साथ ही गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग से गोरखनाथ बाजार एवं गोरखनाथ मंदिर की ओर किसी प्रकार के चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन, रिक्शा एवं साइकिल से आवागमन उक्त अवधि में पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। गोरखनाथ ओवरब्रिज होते हुए गोरखनाथ बाजार एवं गोरखनाथ मंदिर की ओर किसी प्रकार के चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन, रिक्शा एवं साइकिल से आवागमन उक्त अवधि में पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। जबकि बरगदवा से आने वाले समस्त वाहनों को कौड़ियावा मोड़ तिराहा से गोरखनाथ मंदिर के पश्चिमी सड़क से रसूलपुर होते हुए सूरजकुंड ओवरब्रिज से दुर्गावाड़ी होकर धर्मशाला तक वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। वहीं कौड़ियावा मोड़ तिराहा से गोरखनाथ मंदिर आने वाले समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। इस दौरान अमर उजाला तिराहा से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा की तरफ भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। नौथर तिराहा से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे की तरफ भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, कल दोपहर में 12 बजे से छठ के रूट का डायवर्जन किया गया है कि राजघाट की तरफ इसमें महिलाएं जाकर के अस्ताचल सूर्य को और अगले दिन उदय होते सूर्य को अर्घ देती हैं। ऐसे में रूट का डायवर्जन किया गया है। कोई भी फोर व्हीलर इवन जो अन्य वाहन हैं वो कोई भी रूट पे नहीं जाएंगे और इनको नौसर से और इधर से TP नगर से लाल डिग्गी से और इस तरह से सारा डायवर्जन किया गया है। डायवर्जन 12 बजे से प्रभावी रहेगा, शाम तक जब तक महिलाएं आग दे करके सकुशल अपने घर वापस नहीं चली जाती हैं। और इसके बाद में अगले दिन सुबह से ही 4 बजे से ही शुरू हो जाता है पूजा, तो उसमें भी डायवर्जन उसी समय से शुरू हो जाएगा और जब तक सकुशल वापस महिलाएं घर वापस नहीं जाएंगी तब तक डायवर्जन चलता रहेगा। किसी रूट को प्रतिबंधित भी किया गया है? हाँ, रूट हमने दे रखे हैं, जो छोटे छोटे रूट हैं जहाँ पर वाहन जाने से दिक्कत आती है वहाँ पे पूरी तरह से हमने डायवर्जन दे रखा, प्रतिबंधित किया हुआ है। हमने प्रेस को भी पूरा दे दिया है और हमने स्थानीय जो भी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं उनको भी पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया है कि जहाँ वाहन नहीं जाने हैं वहाँ वाहन न जाएँ, इसका अच्छा सा अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।